हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। 8 से 14 अप्रैल के बीच में जो आपका करंट अफेयर्स है, सामान्य अध्ययन के बारे में ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अप्रैल मंथ के जो सेकेंड वीक का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए कार्मिक संजीवनी संग्रह और फुल फेस मास्क विकसित किया है? द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड पर्सनल सैनिटाइजेशन एक्सपोजर एंड फुल फेस मास्क फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में जो काम करते हैं उनके लिए एक फुल फेस मास्क बनाया और सैनिटाइजेशन एक्सपोजर बनाया। DRDO के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली स्वचालित COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन तैनात किया है? द स्टेट दैट डिप्लॉयड COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन, फर्स्ट स्टेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना पहला राज्य जिसने पहली स्वचालित COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वुमेन्स क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेप्सिको। तो इसका सही जवाब होगा शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के नाम एक और रिकॉर्ड है, द यंगेस्ट क्रिकेटर टू प्ले वर्ल्ड कप फाइनल। उस समय उनकी उम्र हो रही थी 16 वर्ष। छात्रों को COVID-19 से लड़ने के लिए AICT और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? द इनिशिएटिव लॉन्च बाई MHRD विथ AICT फॉर स्टूडेंट टू फाइट COVID-19। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समाधान। AICT क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यह है क्या? एक न्यू इनिशिएटिव है टू मोटिवेट स्टूडेंट टू मेक न्यू डिस्कवरीज, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड कम विद सॉल्यूशन टू फाइट COVID-19। तो जो कुछ भी एक न्यू एक्सपेरिमेंट डेवलप करेंगे और जो भी न्यू परफॉर्मेंस करेंगे एक्सपेरिमेंट, ये उससे रिलेटेड ये इनिशिएटिव है। COVID-19 महामारी से निपटने के लिए स्मार्ट परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किस शहर को शीर्ष स्मार्ट सिटी के रूप में स्थान दिया गया है? विच सिटी रैंक्ड एज टॉप स्मार्ट सिटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ स्मार्ट प्रोजेक्ट इन हैंडलिंग COVID-19 पैंडेमिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। क्या है? मतलब काफ़ी इंस्टॉलेशन किया गया, कैमरा इंस्टॉलेशन हुआ है, सेलिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर बाई ई रिक्शा, और भी बहुत कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। तो उस सारे जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए हैं उन सभी में अहमदाबाद को शीर्ष टॉप स्मार्ट सिटी में रैंक में जगह दिया गया है। किस कंपनी ने NFS नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के तहत आधुनिक IT सक्षम नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारतीय सेना से अनुबंध किया है? द कंपनी हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी टू इंस्टॉल स्टेट ऑफ द आर्ट IT एनेबल्ड नेटवर्क अंडर नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्सन एंड टब्रो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड रोगियों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? हाउ मेनी कैटेगरीज हेल्थ सेंटर्स हैव बीन डिवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। कौन कौन से हैं कैटेगरी? कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के कोच रिहैबिलिटेशन कार्यालय द्वारा विकसित किए गए मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम क्या है? तो मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम है, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, चरक। चरक क्या है? ये एक ट्रांसपोर्टेबल है मोबाइल डॉक्टर बूथ, जो कि
मूवेबल है फ्रॉम एक प्लेस से अलग अलग प्लेस तक, जो कि ज़ीरो कॉन्टैक्ट चेकअप होगा पेशेंट्स का। और ये कहाँ हुआ? ये भोपाल में। और ये नियर बाई एरिया 500 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करेगा, ये जो मोबाइल डॉक्टर बूथ है चरक। किस विश्व संगठन के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू करने में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है ब्रेक द चेन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। किस विश्वविद्यालय ने दुनिया का पहला कोविड 19 सरकारी रेस्पॉन्स ट्रैकर लॉन्च किया है? यूनिवर्सिटी विच हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कोविड 19 गवर्नमेंट रेस्पॉन्स ट्रैकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो रेस्पॉन्स ट्रैकर, ये गवर्नमेंट के जो भी काम है अभी कोविड 19 से निपटने के लिए और उसे सही करने के लिए, तो वो उसको एनालिसिस करेगा ये रेस्पॉन्स ट्रैकर। फोर्ब्स द्वारा 34वीं ग्लोबल बिलियनर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 17। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 34th एनुअल लिस्ट ऑफ ग्लोबल बिलियनर्स रिलीजेज, तो इसमें मुकेश अंबानी की रैंकिंग क्या है? 17। हु टॉप द लिस्ट? अमेजन चीफ जेफ बेजोस। किस खिलाड़ी को विजडन विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर 2020 के श्रेणी में रखा गया है? द प्लेयर टू बी नेम्ड एज विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2020। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेन स्टोक। 1995 के बाद फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर, सॉरी 2005 के बाद ही इज द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर टू बी इंक्लूडेड इन विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर। लास्ट टाइम में कौन हुए थे? एंड्रू फ्लिंट ऑफ इन 2005। तो 2020 में अब किसको इंक्लूड किया गया है? वो बेन स्टोक्स। भारत कोविड 19 के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के तहत अनुमोदित राशि क्या है? द अमाउंट अप्रूव्ड अंडर इंडिया कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कितनी राशि अनाउंस किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन करोड़? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 करोड़। सो 15,000 करोड़ हैज़ बीन डिसाइडेड टू अप्रूव हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज। किस राज्य केंद्र शासित राज्य ने कोविड 19 के खिलाफ नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड का शुभारंभ किया है? ऑपरेशन शील्ड कहाँ शुरुआत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। क्या है ऑपरेशन शील्ड? मतलब जो खराब एरिया हैं, जो नियंत्रण क्षेत्र है, वहाँ एक कुल 35 जोन बनाए गए हैं जिनका संपर्क बाकी सभी एरिया से टोटली ब्रेक कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी कुछ होगा, चेन ट्रेसिंग होगा, इलाज होगा, सैनिटाइजिंग होगा। तो ये 35 जोन ऐसे बनाए गए हैं दिल्ली में जो ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत सभी इलाकों से, सभी एरिया से उनका संपर्क टोटली ब्रेक ऑफ कर दिया गया, टोटली लॉक डाउन कर दिया गया है। किस मोबाइल कंपनी ने डार्क स्काई मौसम ऐप का अधिग्रहण किया है? विच मोबाइल कंपनी हैज एक्वायर्ड द वेदर ऐप नेम डार्क स्काई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल। किस कंपनी ने कोविड 19 को संबोधित करने के लिए भारत में वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स लॉन्च किया है? वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये टेक कंपनी है। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि गाइड करेगा पब्लिक के सवालों को और क्वेरी को क्लियर करेगा कोविड 19 के बारे में। सर्प क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रतिमा संस्थान ने किस भारतीय संस्थान को नासिक मार्ग जेल विकसित करने की स्वीकृति दी है? द बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज गिवन अप्रूवल टू विच इंडियन इंस्टीट्यूट टू डेवलप नेसल पैसेज जेल?
क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT बॉम्बे। तो क्या है एक्चुअल में, ये एक नेज़ल जेल है जिसके जिसको लगाने से सार्स वायरस से बचाव होगा, जो कि कोरियर जो कि कैरियर है कोविड कोविड इन्फेक्शन का कैरियर है, जो हमारा सार्स वायरस उसको रोकेगा। ये जो नासिक मार्ग जेल है, एक नाक में नासिका में डालने वाला एक जेल है। विच मिनिस्टर लॉन्च्ड भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन? उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, फिर नन ऑफ दीज। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशांक। तो है क्या ये भारत पढ़ेगा आंदोलन, भारत पढ़े ऑनलाइन? एक्चुअल में ये क्या है, जो टीचर और स्टूडेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव है ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल स्टडी को बढ़ावा देने के लिए। स्कूल और हायर एजुकेशन के जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है ये इनिशिएटिव, भारत पढ़े ऑनलाइन। कोरोना वायरस के लिए किस रोग की नैदानिक मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज अप्रूव टू यूज़ डायग्नोस्टिक मशीन ऑफ विच डिजीज टू कोरोना वायरस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी। तो टीबी का जो डायग्नोसिस करती है जो मशीन, जिसका नाम है ट्रूनेट मशीन, ट्रूनेट टीएम बीटा कोव टेस्ट, इसी डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है ये ट्रूनेट टीएमबी बीटा कोव टेस्ट, जो कि कोरोना पेशेंट का डायग्नोसिस करेगा। और ये डायग्नोसिस टीबी में भी यूज होता है। कौन से एम्स के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत की पहली दुरुस्त स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विकसित की है? एम्स के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत की पहली दुरुस्त स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विकसित की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्स ऋषिकेश। दूरदराज के घरों में जो क्वारंटाइन होम्स और हॉस्पिटल में हैं उनके बारे में ये पता लगाएगा। पहला रेलवे स्टेशन जिसने रेलवे में सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया है, देश का पहला है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने ये किया है, जो रेलवे में पहला सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया है, ये वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल है, जो रेलवे में कर्मचारियों के लिए और आने वाले दिनों में अगर स्टार्टिंग होता है तो पैसेंजर के लिए भी ये है। तो एक ऑटोमेटिक टनल है, सैनिटाइजिंग टनल है ये, तो ये शुरू किया गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे, और ये फर्स्ट इन इंडिया है, पहला रेलवे स्टेशन है सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला। किस संस्था ने ब्रेक द कोरोना कैंपेन शुरू किया है? ब्रेक द कोरोना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इफको। इफको क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है ये ग्राउंड जीरो इनिशिएटिव है, जो हर स्टेट में शुरू होगा, ब्रेक द कोरोना कैंपेन। तो अवेयरनेस एक जनरल पीपल अवेयरनेस है, अवेयरनेस प्रोग्राम है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड 19। कोविड 19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार करने को चिकित्सीय परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये ट्रायल होगा, ट्रायल एक तरह का ट्रायल ट्रीटमेंट होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो केरल पहला राज्य है जो प्लाज्मा थेरेपी उपचार करने के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण करने वाला पहला राज्य है। किस राज्य ने गरीब और असहाय के लिए फूड बैंक पहल शुरू किया है? फूड बैंक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो गरीब और असहाय को खाना खिलाने के लिए जो एक पहल शुरू हुआ है उसका नाम है फूड बैंक। हु इज़ द सीएम ऑफ मणिपुर? एन बीरेन सिंह। विच स्टार्टअप हैज़ रिसीव्ड फंड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट एंड एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन फॉर कोविड 19। तो इसका ऑप्शन होगा क्या सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, सीगल बायो सॉल्यूशंस। एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है जिसे
ये फंड मिला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ताकि इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट और एक्टिव वायरसम वैक्सीन बनाए सीगल बायो सॉल्यूशंस। आज का आखिरी सवाल, अशोक एच देसाई हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज इन विच पोस्ट, जो भी हाल में ही गुजर गए ये किस पोस्ट पे थे, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर आर्मी चीफ, अशोक एच देसाई। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। कब से कब तक थे, जुलाई 96 टू मई 98 अटॉर्नी जनरल रहे थे ये, और इन्हें पद्मभूषण भी मिला था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आने वाले दिनों में और भी वीडियोस मैं लाऊंगा आपको, आप सभी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।